आज हमारा हिंदी का पीरियड है। हिंदी के पीरियड में आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मनचाहा उपहार। बच्चों, इस चैप्टर में, इस कहानी में क्या बताया गया है पता है आपको? इस कहानी में जंगल की पाठशाला के बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सारे पशु पक्षी क्या करते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, है ना। पढ़ने के लिए आते तो हैं, लेकिन वो ना नए नए रोज़ बहाने बनाते हैं। किंतु अध्यापक ने बच्चों से शिक्षक दिवस पर अच्छा बनने और पढ़ने का उपहार मांगा। कहानी में जगह जगह पशु पक्षियों के नाम के स्थान पर चित्र बने हैं, उनके नाम पढ़ो और कहानी से प्रेरणा लो। ठीक है, अभी यहाँ देखिए हम ये चैप्टर रीड करेंगे। जंगल की पाठशाला में गणित के नए अध्यापक लोमन रामा सर आए। उन्होंने देखा कि सभी पशु पक्षी गणित से दूर भागते हैं। गणित के घंटे में खरगोश दर्द मतलब पेट दर्द और अन्य नए नए बहाने बनाते हैं। शुरू में तो रामा सर को लगा कि पशु पक्षी सच बोल रहे हैं। एक दिन फरफर चिड़िया ने झूठ बोला कि वह गणित की किताब नहीं लाई, लेकिन छुट्टी में धक्का मुक्की में उसका बस्ता गिर गया और गणित की किताब बाहर आ गई। चिड़िया ने सर को सफाई दी कि वह विज्ञान की किताब में घुस गई। तो देखो बच्चों, टीचर जो होते हैं ना, वो कभी भी आप झूठ बोलते हो तो टीचर को समझ में आ जाता है ना। लेकिन कभी कभी टीचर स्टूडेंट पे क्या करते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसे करना चाहिए कि जैसे ये चिड़िया ने किया था या ये पशु पक्षी करते हैं, नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जंगल की पाठशाला के पशु पक्षी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के लिए सभा की। तय हुआ कि सब अपने पैसे को इकट्ठा करेंगे, करके अध्यापक को क्या देंगे, उपहार और पार्टी देंगे। पेज 47 पर आओ। यहाँ देखिए, शिक्षक दिवस पर छमछम मोर ने पंख फैलाकर नृत्य किया, सुरीली मैना ने गीत गाया, नटखट बंदर ने ढपली बजाई और लोमड़ी के बाजे पर ऊंट और हाथी और गधे ने कव्वाली गाई। रंगारंग कार्यक्रम के बाद पशु पक्षी ने गरम गरम चाय और समोसे और लड्डुओं व पेस्ट्री की पार्टी दी। सबको उपहार दिए गए। जब रामा सर को हंसा हिरन ने उपहार का पैकेट दिया तो उन्होंने उसे मेज पर रखते हुए कहा, मैं आपसे कीमती और हमेशा रहने वाला उपहार लूँगा, बोलो दे पाओगे? बच्चों, टीचर क्या उपहार मांगना चाहते हैं ये आप देखिए, और पशु पक्षी क्या समझ रहे हैं ये भी देखिए, है ना। अध्यक्ष कौन है? ऊँट है। ये जो इनके पशु पक्षी का जो पाठशाला है ना, जंगल की पाठशाला, उसमें अध्यक्ष कौन है? ऊँट है। ने गले में बंधे बस्ते को टटोला, उसमें अभी भी काफ़ी पैसे बचे थे। जो पैसे कलेक्ट किए गए थे ना, वो अध्यक्ष के पास थे। उसने अपने क्या किए, जेब टटोली, है ना, उसमें क्या थे, बहुत सारे पैसे और भी बचे थे। सबने हाथ उठाकर कहा, सर आप जो चाहे उपहार मांग ले, हम आपको देंगे। उन्हें क्या लगा, खरीद कर उपहार देना है। ठीक है, सर ने छबीली मोरनी को खड़ा करके कहा, छबीली तुम्हें कॉपी किताबें घर भूलने की आदत का उपहार मुझे देना होगा। देखो टीचर क्या उपहार मांग रहे हैं। छबीली मोरनी ने सक पकाते हुए कहा, सर मैं भूलने की आदत छोड़ना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? पेज टर्न करो, पेज नंबर 48 पर देखो। उन्होंने छबीली को याद रखने का उपाय बताया। छबीली होमवर्क करके बस्ता लगाकर ही पढ़ाई की मेज से उठो। जब आप अपनी किताब वहीं छोड़ देते हो तब वहाँ जो भी बैठेगा वह आपका सामान इधर उधर उठाकर रख देगा। आपके छोटे भाई बहन उन्हें फाड़ भी सकते हैं। छबीली मोरनी के साथ साथ चीज़ों को भूलने की आदत वाले बच्चों ने भी हाथ उठाकर रामा सर को वादा कर उपहार दिया। चिंकी चुईया कोने में छिपकर बैठी थी, रामा सर के देखने से पहले ही घबराकर बोली, सर मैं अब कभी पढ़ाई से बचने के लिए झूठ नहीं बोलूँगी, मैं पेंसिल खत्म होने का झूठा बहाना बना दी थी। सबने सच बोलने के लिए चिंकी चुईया की तारीफ की। कुकड़ुक्कू मुर्गे ने अपने स्कूल देर से आने की आदत को उपहार में दे डाला। ढमढम मेंढक और छमछम ये कौन है, कुत्ते ने आज से मारपीट करने की आदत से तौबा की। प्रधानाचार्य हाथी कुर्सी से उठकर बोले, बच्चों शिक्षक दिवस पर, पेज नंबर 49 पे आइए, आपने इतने अच्छे अच्छे उपहार दिए कि सभी अध्यापकों की पैंट की जेब और शर्ट की जेब पूरी भर गई। ये आपकी खराब आदतें आपके आगे बढ़ने के रास्ते की रुकावट थी, इन्हें छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं।
अंत में सभी ने सावधान खड़े होकर देशभक्ति का गीत गाया और अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। अध्यापकों ने रामा सर को बच्चों को अच्छा बनने की प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद दिया। बच्चों, इस ये जो पाठ है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्कूल जाते टाइम बहाने नहीं करना चाहिए और टीचरों की बात मानना चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।